हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ढोलक पे एक बहुत ही दुनिया का सबसे सरल पैटर्न लेके आया हूँ। दोस्तों, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न खास तौर पर महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी पैटर्न है, और दोस्तों जो अपने बिगनर भाई बहन हैं उनके लिए भी दोस्तों ये पैटर्न बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये बहुत ही सरल है। दोस्तों, आप इसे इस वीडियो को अभी देखते देखते ही सीख जाएंगे। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको इस पैटर्न में कोई भी डाउट ना रहे। दोस्तों, ये जो पैटर्न है, आप इस पैटर्न को भजन वगैरह में बड़ी आसानी से बजा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ इसी तरह की, या दोस्तों इससे भी हटके दोस्तों कोई वीडियो डालूं आपके लिए, कोई अच्छा सा लेसन डालूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते अपने पैटर्न की तरफ। तो दोस्तों, इसके जो बोल है वो है दोस्तों, घे घे कता, घे घे कता। दोस्तों, ना ही इस पैटर्न में हमें छल्ले का और ना ही हमें कोई इसमें सिंगल फिंगर का उपयोग करना है, यानी दोस्तों हमें कोई सिंगल फिंगर से कुछ भी हम इसमें प्ले नहीं करना है, पूरे हाथ का हम इसमें यूज करेंगे, प्लस बेस में भी दोस्तों हम पूरे हाथ का ही यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। मैं आपको पहले चार्टी सेट बता दूँ कि चार्टी सेट क्या बजेगा दोस्तों। तो हमने बोले दोस्तों, घे घे कत्ता, घे घे कत्ता। तो दोस्तों, चार्टी सेट जो बजेगा वो है दोस्तों ता। तो ता बजाने के लिए दोस्तों आपको ये जो आपकी तीन फिंगर है दोस्तों, फर्स्ट वाली को छोड़ के आपकी जो तीन फिंगर नीचे वाली जो है, और जो मेनली जो दोस्तों इसमें जिससे ता बजेगा वो है दोस्तों ये दो फिंगर। तो ये जो तीसरा फिंगर है दोस्तों, ये तो अपने सपोर्ट के लिए है, लेकिन दोस्तों ये जो दो फिंगर है मेनली इसी का यूज होगा। तो देखिए कैसे बजेगा आपको ढीले हाथों से दोस्तों, कुछ इस तरह से देखिए दोस्तों, बाहर की तरफ और सीधा करना है दोस्तों फिंगरों को आपको, और हिट करना है दोस्तों। देखिए, ज़्यादा दूर भी नहीं ले जाना है और दोस्तों ज़्यादा पास से भी आपको नहीं करना है, कुछ इस तरह से यहां तक दोस्तों। देखिए, आपको दोस्तों बोल बोल के प्रैक्टिस करना है ता 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 ता। और दोस्तों जो ये मैं तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से दोस्तों आपको इस वाले हाथ की स्टाइल भी दोस्तों, जो अपने देहाती स्टाइल होती है वो भी दोस्तों आपकी इम्प्रूव होगी, क्योंकि दोस्तों गाँवों में जो मोस्टली होते हैं वो लोग ता इससे नहीं बजाते हैं, इसके बजाय दोस्तों वो इससे बजाते हैं, इन तीन फिंगरों का यूज करते हैं। तो इस पैटर्न को जरूर सीखिए आप दोस्तों। देखिए, चलिए दोस्तों, मैंने आपको चार्टी सेट तो बता दिया कि कैसे कैसे बजाना है और क्या बजाना है। अब हम बढ़ते हैं बेस तरफ, हमें क्या बजाना है। इसमें दोस्तों बेस भी मैंने, तो हम बेस को भी सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको चार्टी सेट तो बता दिया एकदम अच्छे से, अब हम इसमें बेस बजाना सीखते हैं। तो बेस बजाने के लिए अपना बोल था दोस्तों, घे घे कत्ता। तो घे घे बजेगा दोस्तों आपको ये चार फिंगर जो दोस्तों, इन चार फिंगर के यहाँ तक का पार्ट दोस्तों आपको बेस बजाने के लिए यूज करना है, ना कि दोस्तों आपको बस यहीं तक का पार्ट यूज करना है। आपको दोस्तों अपनी फिंगर से यहाँ तक का, आगे तक का थोड़ा पार्ट दोस्तों बेस बजाने के लिए यूज करना है। तो आप इसको जरूर ध्यान रखिए बेस बजाते टाइम, और कुछ इस तरह से हल्के हाथों से हिट करें। देखिए दोस्तों, तो ये कुछ इस तरह से साउंड करता है, ध्यान से देखिए दोस्तों। तो हमें दो बार घे घे बजाना है, उसके बाद हमें बजाना है का। तो पॉज लेना है दोस्तों, दो बार घे के बजा के हमें पॉज लेना है, कुछ इस तरह से। देखिए दोस्तों, अब दोस्तों मैंने का कैसे बजाया, तो मैंने आपको का तो कई वीडियो में बताया है कि कैसे बजाते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ भी बताना चाहूंगा कि का बजाने के लिए आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपकी दोस्तों पीछे वाली हैंड की पोजिशन है वो हमेशा उठी होनी चाहिए, और दोस्तों बाकी जो चार फिंगर आ रही है आपकी वो सरफेस पे टच होनी चाहिए हल्के हाथों से, कुछ इस तरह से। देखिए दोस्तों,
दोस्तों मैं आपको अब इसमें मूवमेंट बताता हूँ कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है इस पैटर्न को बजाने से पहले। तो दोस्तों आपको दो बार घे बजाने के बाद एक हल्का सा पॉज लेना है कुछ इस तरह से। देखिए दोस्तों इसमें भी दोस्तों आपने देखा कि हमने पूरे हाथ का ही यूज किया है। तो दोस्तों अब मैं आपको चाटी साइड और बेस साइड दोनों को बजाने का तरीका समझाता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको चाटी साइड और प्लस बेस साइड एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, वो भी दोस्तों सिंगल। अब दोस्तों हम इन दोनों को साथ में इकट्ठा करके बजाने के तरीकों को भी जान लेते हैं। दोस्तों चलिए हम बजाने की कोशिश करते हैं। तो हमें बजाना पहले घे घे, उसके बाद पॉज लेना है। तो कुछ इस तरह से देखिए दोस्तों, पॉज लिया दोस्तों हमने। देखिए दोस्तों दोबारा, अब देखिए बजेगा कैसे दोस्तों। ये घे घे फिर क ता क ता, इसमें दोस्तों हमें कोई पॉज नहीं लेना है। क ता, तो दोबारा देखिए दोस्तों, इसका मूवमेंट दोस्तों कुछ इसी तरह से चलेगा। दोस्तों आप भी ढोलक लेके मेरे साथ बजाने का प्रैक्टिस कीजिए कुछ इस तरह से। देखिए दोस्तों घे घे, तो देखिए दोस्तों दोस्तों आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि आपका जो ता बजेगा दोस्तों इन तीन फिंगर से, वो दोस्तों एकदम क्लियर बजना चाहिए। आपको दोस्तों इसे एकदम किनारी पे दोस्तों एकदम किनारी पे दोस्तों, तो ये कुछ इस तरह से साउंड करेगा। देखिए दोस्तों, तो दोबारा देखिए दोस्तों आप एकदम अच्छे से घे घे कत्ता, घे घे कत्ता, घे घे कत्ता। और दोस्तों जब आप कुछ दिन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी स्पीड कुछ इस तरह से हो जाएगी। देखिए दोस्तों, आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप इस पैटर्न को जरूर सीखिए और दोस्तों ये पैटर्न अपने उन सभी भाई बहनों में शेयर कीजिए, उन सभी मित्रों में शेयर कीजिए जो कि दोस्तों ढोलक सीखने में दोस्तों रुचि रखते हो। आने वाले कंटेंट में दोस्तों मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद।